नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 5 अक्टूबर 2021 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात करते हैं। कल 4 अक्टूबर 2021 को डीएलएड के संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 प्रथम द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर अवशेष अनुत्तीर्ण और साथ ही साथ डीएलएड प्रशिक्षण 2019 द्वितीय सेमेस्टर अवशेष अनुत्तीर्ण की जो परीक्षा वर्ष 2021 है उसकी जो उत्तर पुस्तिकाएं के मूल्यांकन है उसके संदर्भ में आवश्यक निर्देश यहाँ पर जारी किए गए थे। इसमें यह बताया गया था कि जो आपकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य है वो 6/10/2021 से प्रारंभ होगा और 18/10/2021 तक जो है अनिवार्य रूप से चलेगा। इनमें आपकी कॉपियां चेक हो जाएंगी। कोविड-19 का पूरा पालन करने को लेकर बताया गया है। साथ ही साथ इसमें पहले पॉइंट में कोविड-19 के संदर्भ में सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए, ये सारी चीजें हैं। दूसरे पॉइंट में जो है जो प्राचार्य डाइट है उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्य समिति गठित की जाएगी, जिनके द्वारा सील पैकेट खोले जाते समय प्राप्त कराई गई जो उत्तर पुस्तिकाओं की सूची है उससे मिलान किया जाएगा। तीसरे पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है कि मूल्यांकन केंद्र के प्राचार्य डायट द्वारा समस्त जो परीक्षक हैं उनको ये स्पष्ट रूप से निर्देश दिए जाएं कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने से पूर्व प्रत्येक जो है उत्तर पुस्तिका पर उपलब्ध जो प्रश्न हैं विसंगतियों की जाँच भी अवश्य जो है वो कर लें। तो ये था आपका ओवरऑल नोटिफिकेशन, जिसमें केवल और केवल जो आवश्यक दिशा निर्देश है वो आपके लिए मेन है और दूसरी चीज यहाँ पर जो तिथि लिखी हुई है वो मेन है कि जो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन है वो इन तिथियों पर चलेगा। हालांकि ये तिथि मैंने शायद पहले भी आपको बताई है पर नोटिफिकेशन आपका कल ही निकला है, मैंने फिर से यहाँ पर जो है आपको रिवाइज करा दी। अगला आपका जो यूपीडेट है उसके नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपका विज्ञप्ति जो है न्यूज़पेपर में निकली है उसी के बारे में यहाँ पर आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीडेट 2021 हेतु ऑनलाइन आवेदन, इसमें लिखा है कि जो आपकी यूपीडेट की परीक्षा है वो 28/11/2021 को संपादित कराई जानी है। इसके लिए जो इच्छुक हैं अहिर अभ्यर्थियों उनसे ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन की अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर दे नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का संशोधन जो है वो नहीं दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो है जो इस टाइप से आपको सहमति देनी होती है वो देनी होगी। तीसरा जो पॉइंट है वो भी कि एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्न पत्र के परीक्षा के चयन की सुविधा उपलब्ध होगी, मतलब अलग अलग नहीं भरना पड़ेगा, ये भी चीज़ है। चौथे वाले पॉइंट में जो है जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में बताया गया है और यहाँ पर तिथि सारी बताई गई जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। ऑनलाइन पंजीकरण की जो है 7 तारीख है, ऑनलाइन पंजीकरण की लास्ट डेट जो है वो 25/10 तारीख है। निर्धारित माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम जो तिथि है वो 26 तारीख है और ऑनलाइन आवेदन पूरा करने पूर्ण आवेदन का प्रिंटआउट लेने की जो अंतिम तिथि है वो 27/10/2021 है। अगली न्यूज यूपीडेट से रिलेटेड है कि उच्च और प्राथमिक जो परीक्षा है उसके लिए एक ही फॉर्म में जो है आवेदन आप कर सकेंगे। वही जो ऊपर अभी हमने नोटिफिकेशन बताया ना वही यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि अलग अलग आपको भरने की आवश्यकता जो है वो नहीं है। साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा हुआ है कि कब से आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकेंगे और वो सारी चीज़ हमने ऊपर देख ली है। किसी भी तरह की त्रुटि आवेदन पत्र में ना हो क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद दोबारा सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा, ये भी क्लियर तरीके से यहाँ पर लिखा है। अगली न्यूज़ है 4 कॉलेजों में हिंदी में होगी बीटेक की पढ़ाई। एनईपी के तहत विश्वविद्यालय जो विद्यार्थी हैं उनको दे रहा है सुविधा, क्लास असाइनमेंट से लेकर परीक्षा तक सभी हिंदी में जो है उसी के बारे में लिखा है। अगली न्यूज़ एमटीएस 2020 से रिलेटेड है, 10 केंद्रों पर 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो है शामिल होंगे। तो आज से परीक्षाएँ एमटीएस की स्टार्ट हो रही हैं, जो भी से संबंधित अपना पेपर जो है वो देंगे। अगली न्यूज है यूपी बोर्ड हाई स्कूल की अंक सुधार परीक्षा संपन्न, इसी माह जो है वो परिणाम जो है वो घोषित हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगली न्यूज है विश्वविद्यालय ने जारी किया है बीटेक का संशोधित परीक्षा परिणाम, जो भी से संबंधित है देख सकते हैं। अगली न्यूज है लाखों छात्रों की कीमत पर रद्द नहीं होगा, रीट की परीक्षा के संदर्भ में जो है एक याचिका दायर की गई थी कि इसे रद्द किया जाए और याचिका में कहा गया था कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं कराई गई है पर शीर्ष अदालत ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा लाखों छात्रों की कीमत पर परीक्षा को रद्द बिल्कुल नहीं किया जा सकता है और ये भी कहा है कि लाखों ने ये परीक्षाएं दी हैं, परीक्षा में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। 5 FIR दर्ज होने के आधार पर हम 7.5 लाख छात्रों को परेशानी में नहीं डाल सकते हैं, इसको लेकर यहाँ पर लिखा है। अगली न्यूज है बीएड के संदर्भ में छूटे अभ्यर्थियों का पंजीयन और च्वाइस फिलिंग जो है वो कल तक है, जो भी है इससे संबंधित अपना कम्प्लीट कर सकते हैं। अगली न्यूज है अप्रेंटिस मेले में 70 जो शिक्षार्थी हैं उनको रोजगार के लिए किया गया है चयनित, तो यह देख सकते हैं। अगली न्यूज है 8वीं तक की छात्राओं को भी मिलेगा आत्मरक्षा का जो है वो प्रशिक्षण,
और इसी में ही प्रसिद्धि स्कूलों को मिली प्रशिक्षण शुरू करने की मंजूरी, उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा है। अगली न्यूज है टीजीटी 2021 के परिणाम जल्द ही घोषित होंगे। तो इसमें टीजीटी के बारे में भी लिखा है कि शेष विषयों की जो लिखित परीक्षा है उसके रिजल्ट भी इसी सप्ताह आएंगे। अगली न्यूज है कम मेरिट वालों की नियुक्ति करने पर सचिव जो है वो तलब, उसी के बारे में यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। अगली न्यूज है एमए एमकॉम में प्रवेश की जो अंतिम तिथि है वो 12 अक्टूबर है, ये सेकंड लास्ट न्यूज है। देखते हैं हमारी अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते हैं। और लास्ट न्यूज आपकी कोई करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है, एक्चुअल में कल फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सब बंद हो गया था, वो एक जनरल न्यूज के तौर पर मैंने आपको बता दिया। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपना फोन ही रिस्टार्ट कर रहे होंगे, रीसेट कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है, ये एरर जो है वो थी। तो ये था ओवरऑल अपडेट। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।